अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा और आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। ब्यूरो चीफ मोहम्मद समीउल्लाह मुमताज की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर वजीर आजम शहबाज शरीफ का ज़िमन इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी सूबे असम्बली को मुबारकबाद। ज़िमन इंतखाबात में मुस्लिम नून के नौमुंतखब अरकान की जीत आवाम के एतमाद का मजहर है। ज़िमन इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाले अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि इनकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे, पूरी दयानतदारी और मेहनत से इनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। माशी बेहतरी के वाजे होते आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमाया हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी मईशत की बहाली, महंगाई में कमी और खारजा ताल्लुकात की बेहतरी की हुकूमती खिदमत का अवामी एतराफ़ है। माशरी बेहतरी और अवामी रिलीफ में इजाफे के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मजीद तब्दील होगी। आलमी मालियाती इदारों, खबर रसा इदारों और सर्विसेज में माशी बेहतरी की पेशगोईयों में ने अवाम की राय पर मुस्बत असर डाला है। 8 फरवरी के बाद अपोजिशन की गैर सियासी रवैयों ने भी उनकी हामियों और अवाम को बददिल और मायूस किया है। हार जीत इंतखाबी अमल का हिस्सा है, इल्जामात के बजाय सियासी तौन की राह अपनाना ही जमहूरी रवैया है। इंतखाबी अमल में खामियों और एतराजात को बाहमी तौन और सियासी बातचीत से ही दूर किया जा सकता है।